हेलो एवरीवन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सो माय नेम इज मोनिका गौतम एंड आई वुड लाइक टू वेलकम बैक यू यू ऑल ऑल ऑन आवर लाइव सेशन एट यूपीएससी ऑफिशियल YouTube चैनल सो आई एम होपिंग मस्ट बी एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन आप सभी बहुत अच्छे होंगे खुश होंगे सेफ होंगे आप अपने अपने घर में अपना ध्यान रख रहे होंगे स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के सेशन को सो वेरी गुड मॉर्निंग जोहा कुमार रॉकी अजय रवि वेरी 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 गुड मॉर्निंग आकांक्षा जय श्री राधे कृष्णा हर हर महादेव very good morning all of you so let's uh, without wasting any further more time let's directly dive into our today's session aur jaisa ki aapko thumbnail se pata hi chal chuka hoga because of these rising covid cases in delhi uh, finally delhi ke chief minister shri arvind kejriwal uh, sir ne jo hai वर्क uh, प्लेसेस को कंप्लीटली शट डाउन कर दिया है यानी कि जितना भी uh, हम कह सकते हैं लॉकडाउन वाले फेज के अंदर वर्क जो था आपका वर्क फ्रॉम होम दोबारा से वही कल्चर आ चुका है तो सारे की सारे फिजिकल बंद बंद कर बंद कर वर्क प्लेसेस दिए गए हैं उनके अंदर जो है फिजिकली आना तो यस अब जल्दी से जल्दी क्या करना है आपको आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है जो भी न्यू स्टूडेंट है और इस क्लास के लिंक को अपने अपने रिस्पेक्टिव टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से शेयर कर दीजिए सो दैट हर किसी को पता चल सके दैट क्लास हैज बीन स्टार्टेड और हर कोई जो है हमसे जुड़ सके और आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का हम डिस्कशन कर सके जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा अब जो है हम लोग द हिंदू आपके एज वेल एज पी आई बी एंड इंडियन एक्सप्रेस से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को पिक करते हैं तो आज है बारह जनवरी एंड बारह जनवरी के दिन होता है नेशनल यूथ डे आप देख सकते हैं नेशनल यूथ डे अब यहां पर स्वामी विवेकानंद जी का एक कोड भी लिखा गया है जिनके जन्म दिवस के अवसर पर नेशनल यूथ डे हर साल मनाया जाता है टेक रिस्क इन योर लाइफ इफ यू विन यू कैन लीड इफ यू लूज यू कैन गाइड बेसिकली uh, ये आपको मोटिवेशन इस सेंस में देगा आपको सबसे पहली चीज लाइफ में कुछ भी करना है ना पहला कदम होता है आपको वो पहला कदम उठाना है पहला स्टेप लेना है आपको अपने उस जोन से बाहर निकलना है और आपको जो है चीजों को की प्रैक्टिस करनी है आपको क्या करना है आपको कोशिश करनी है क्या होगा या तो भाई आप कोशिश के साथ साथ जब मेहनत करोगे हो सकता है सक्सेसफुल हो जाओ जो भी आपने अपना गोल सेट किया है जो भी आपने अपना लक्ष्य पाने के लिए सेट किया है दूसरी चीज क्या हो सकती है वर्स्ट पॉसिबल हो सकता है आउटकम्स निकले कि भाई Uh, कोई भी पर्सन जो है सक्सेसफुल ना हो पाए पर उसने जो वो मेहनत की होगी ना उस पूरी प्रोसेस के टाइम में वो मेहनत डेफिनेटली उसको कही कहीं ना कहीं हेल्प करेगी और आगे आने वाले जो भी लोग उस रास्ते पर बढ़ेंगे उन रास्तों को डेफिनेटली वो पर्सन गाइड कर सकेगा इज इट क्लियर गुड मॉर्निंग राजा बाबू गुड मॉर्निंग समायरा ओके ओके आई एम पॉजिटिव मैम अरे कौन से पॉजिटिव कहा है आपने रॉकी ये कौन से सेंस वाला पॉजिटिव है ओके लेट्स स्टार्ट आर टूडेज सेशन जल्दी से एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लिंक शेयर कर दीजिए पहली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं आपके द हिंदू का सभी जो है क्या करना है आपको पता है ना जल्दी से अपनी एटलेस खोल लीजिए अपने नोट्स खोल लीजिए और साथ साथ जो है मेंशन करते चलेंगे जो भी चीज आज हम डिस्कस कर रहे हैं सो द वेरी फर्स्ट न्यूज आर्टिकल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर यिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू जीएस पेपर वन प्रम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी इंडेक्स अगर पूछा जाता है उस इंडेक्स को कौन जो है रिलीज करता है ये सारी चीजें अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट हो जाती है यहां आप देख ही सकते हैं राइट नाउ क्या हुआ है हेनलेस पासपोर्ट इंडेक्स जो है जारी किया गया जिसके अंदर पता चलता है कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल जो है पासपोर्ट या सबसे कम पावरफुल जो पासपोर्ट है वो किस किस के हैं 2022 के uh, अंदर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इंडिया का जो रैंक है इस हैंडलेस पासपोर्ट इंडेक्स में कितना हो गया इंप्रूव किया है और इंप्रूव करने के बाद हो चुका है एट्टी थर्ड अर्लियर इट वॉज नाइन्टी पिछले साल तक जो है नाइन्टी uh, था एंड नाउ इट हैज बिन इम्प्रूव एंड इंडिया की जो बेसिकली uh, हम कह सकते हैं क्योंकि टूरिज्म बढ़ रहा है या इंडिया की जो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है दैट इज इंक्रीजिंग जिसकी वजह से हमारे uh, जो है पासपोर्ट की पासपोर्ट की वैल्यू या पासपोर्ट की पावर भी इंक्रीज हो रही है एंड आप देख सकते हैं नाइनटी से इस साल कितनी हो गई है थर्ड हो चुकी है इज इट क्लियर तो भाई ये सारी चीजें ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में दो तीन बार पूछा जा चुका है बिहार के जो है बीपीएससी एग्जाम में तो इन सारी सारी छोटी चीजों को नोट डाउन करते चलेंगे अब यहाँ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है दैट अगर हम बात करें तो इसके अंदर आ, जो है टॉप किसने किया है तो ध्यान रखेंगे ये इंडेक्स टॉप करने वाला है आपका माले उसके बाद है आपका उजबेकिस्तान जापान एंड सिंगापुर इन पांच देशों ने जो है टॉप किया है इस आ, रैंकिंग के अंदर अब हम बात कर लेते हैं दैट इस हैंडलेस पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में एंड एक सेकेंड एक सेकेंड ओके नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस हैंडलेस पासपोर्ट इंडेक्स अब इस हैंडलेस पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं इसके ऊपर भी आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है तो क्या है ये हैंडलेस पासपोर्ट इंडेक्स कब से शुरुआत की गई थी इसकी हैंडलेस पासपोर्ट इंडेक्स इज द ओरिजिनल रैंकिंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स पासपोर्ट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस और किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर किसी भी डेस्टिनेशन पर अगर आपको जाना है ओके विदाउट अ प्रायर वीजा तो वहां पर कितनी ज्यादा आपकी इन्फ्लुएंस रहने वाली है कितनी ज्यादा जो है आपकी कंट्री का जो पासपोर्ट है वो रिप्रेजेंट करता है बेसिकली आपकी कंट्री आपकी कंट्री जो है वो कितना रिप्रेजेंट करती है इंटरनेशनल लेवल पर हम वो कह सकते हैं ओरिजिनली ये किसने स्टार्ट किया था दिस हैज बीन स्टार्टेड बाय डॉक्टर क्रिश्चियन एच केलिन Uh, which who is a chairman of Henley and Partners. और इस रैंकिंग को प्रिपेयर करने के लिए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन क्या करते हैं ये जो है बेसिकली इस पूरे डेटाबेस को कलेक्ट करते हैं और डेटाबेस को मेंटेन करके रखते हैं पूरे वर्ल्ड के एयर वेज का इज इट क्लियर माले उजबेकिस्तान जापान एंड सिंगापुर यस रूही यस दूसरी चीज क्या है कब से इसकी शुरुआत की गई थी इट हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम 2006 2006 से इसकी शुरुआत की गई थी और इसके अंदर पूरे uh, वर्ल्ड की अराउंड uh, 199 कंट्रीज को इंक्लूड किया जाता है इस लिस्ट के अंदर और इन ही वन कंट्रीज में से हमारे इंडिया की जो रैंकिंग है दैट इज नाउ एटी थर्ड इज इट क्लियर एवरी नोट डाउन कर लिया सभी ने अच्छा कोविड पॉजिटिव टेक केयर टेक केयर रॉकी गॉड ब्लेस यू भाई जल्दी से रिकवर करो ध्यान रखिए आप कंप्लीटली आइसोलेटेड रहिए फ्लूड ज्यादा से ज्यादा लेते रहिए स्टीम लीजिए बट एंड स्टे सेफ स्टे सेफ ओके लेट्स प्रोसीड फर्दर आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ आई एम होपिंग आपने नोट डाउन कर लिया होगा अगर नोट डाउन नहीं किया है जो भी चीजें रह जाती हैं तो आप सभी को पता है दैट हम लोग जो हैं डेली बेसिस पर अपनी सभी क्लासेस की पीडीएफ भी आपके साथ शेयर करते हैं ऑन आर टेलीग्राम ग्रुप व्हिच इज आईएएस पीसीएस बाय 247 ओके चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं अगला आर्टिकल क्या कहता है पिग्स हर्ट मीटिंग इनसाइड अ ह्यूमन 57 सेवन ईयर ओल्ड रिसीवन फ्रॉम जेनेटिकली मॉडिफाइड पे लास्ट रिजोर्ट ट्रीटमेंट हुआ क्या अपने आप में एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी हुई है और ये बड़ी डिस्कवरी क्या है सबसे पहले इस तरीके की सर्जरी की गई है 57 सेवन ईयर ओल्ड अमेरिकन सिटीजन मैरीलैंड के अंदर क्या किया गया उनको बहुत ज्यादा एक जो क्या थी क्रॉनिक हार्ट डिजीज थी बेसिकली दिल की बीमारी थी जो कि बहुत लंबे समय से चली आ रही थी उस दिल की बीमारी को ट्रीट करने के लिए या ठीक करने के लिए जो है जब कोई भी रास्ता नहीं बचा आ, सबसे लास्ट जो रिजॉर्ट बचा था वो ये था कि उस दिल को निकालकर किसी और किसी और जो है ऑर्गेनिज्म का दिल रख दिया जाए और यहाँ पर जो दिल हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया ना वो किसका किया गया वो पिग का किया गया का निकाल निकालकर उस पर्टिकुलर पर्सन फिफ्टी सेवन ईयर ओल्ड इस पर्सन के अंदर जो है रख दिया गया प्लेस कर दिया गया इज इट क्लियर एवरी अब हम जानेंगे इसको कहा क्या जाता है कैसी प्रैक्टिसेस होती है यहां आप देखिए ये कैसा पिक था दिस वाज जेनेटिकली मॉडिफाइड

अब जो नया इंसान बनेगा उसके अंदर उसकी एक एक कोशिका के अंदर संरचना जो है अलग तरीके से बनेगी कुछ ना कुछ बेसिकली फॉल्ट uh, हो सकता है हम ये कह सकते हैं या हम कह सकते हैं जो नॉर्मल पर्सन पर्सन दिखता है है उस जैसा नहीं दिखेगा उससे कुछ वेरिएशन हो सकता है। तो उसी तरीके से अब ये क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं इनके जो ज, uh, इनका जो डीएनए होता है इनका जो जेनेटिक मेटीरियल होता है अब इनके अंदर क्या किया जाता है हम क्या करते हैं एक एक बेसिकली प्रोटीन के सीक्वेंस को हटाकर वहां पर क्या कर देते हैं जिस भी पर्टिकुलर जिस भी पर्टिकुलर ट्रेड के लिए हमें उस ऑर्गेनिज्म को बदलना है उसको डाल दिया जाता है ठीक है उन जीन्स को डाल दिया जाता है जिसकी वजह से जब सेल्स डिवाइड करते हैं रेप्लीकेशन होता है मल्टीप्लीकेशन होता है तो उसके बाद जो है वो ट्रेड्स आने वाली ऑफस्प्रिंग के अंदर खुद ब खुद आ जाते हैं ओके तो जीन के अंदर कुछ हम कह सकते हैं ऑल्ट्रेशन की जाती है कुछ छेड़खानी की जाती है कुछ जो है हिस्सों को हटाकर कुछ ऐसे हिस्सों को रख दिया जाता है जिस तरीके की क्वालिटीज़ जिस तरीके के फीचर्स हम लाना चाहते हैं उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर इज इट क्लियर एवरी ओके इट वॉज ब्लैक स्वैन जाहिद ब्लैक स्वैन एटलस थी देख लेना ब्लैक स्वान एटलस ऐसा नहीं है की ये जो है पहली बार कराया गया है ये आपकी एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है की सबसे पहले ह्यूमन के अंदर हर्ट ट्रांसप्लांट कब किया गया था यानी कि दिल को बदला कब किया था किसी और का दिल किसी और के शरीर में कब रखा गया था यहाँ आप देख सकते हैं इट वॉज डन इन 1964, 1964 में सर हार्डे ने किया था जिसके अंदर चिंपैंजी का हर्ट चिंपैंजी का हर्ट लेकर किसी पेशेंट के हर्ट में रख दिया गया था बट दैट वॉज अ डिफरेंट थिंग दैट इट वॉज नॉट अ सक्सेसफुल सर्जरी कई घंटों की सर्जरी चली और अल्टीमेटली दो घंटे बाद जिस पर्सन के अंदर उस हर्ट को ट्रांसप्लांट किया गया था वो पर्सन उस पर्सन की डेथ हो गई थी Is it अब पर 51 51 like शेयर कर सकते हैं तो प्लीज शेयर भी कर दीजिए वो हंड्रेड के टारगेट को आप लोग कम मत करते आइए जल्दी से जो है क्लास को शेयर भी कर देंगे अब दूसरी चीज यहां पर क्या है दूसरी चीज है कि क्या सिर्फ हम हर्ट को ट्रांसप्लांट करते हैं या और भी कुछ ऐसे और्ग... हमारे ऑर्गन्स हैं हमारे अंग हैं जिनको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं यस इट्स नॉट ओनली द हर्ट जिसको हम जो है बदलते हैं या हम ट्रांसप्लांट करते हैं और कई सारे हमारे कई सारे जो है पिक के अंदर या हम कह सकते हैं किसी भी एनिमल के पार्ट्स को रिप्लेस किया जाता है ह्यूमन बॉडी के साथ इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है जीनो ट्रांसप्लांटेशन अब यहां से आपके प्रिलिम्स में क्वेश्चन बन जाता है सीधा सीधा जीनो प्लांटेशन इज एसोसिएटेड विद और चार ऑप्शन दे देंगे आप प्लांटेशन है आपको लगेगा कुछ ना कुछ खेती बाड़ी या प्लांटिंग से रिलेटेड होगा क्रॉपिंग पैटर्न से रिलेटेड होगा तो ध्यान रखेंगे जीनो प्ला, प्लांटेशन या फिर ट्रांसप्लांट ये दो टर्म्स है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले यूपीपीसी बिहार पीसीएस हो एस एस सीओ एग्जाम में आपको यूपीएससी हो ये आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलने वाला है इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है इस प्रोसेस के अंदर हमारे लिविंग सेल्स का ट्रांसप्लांटेशन हमारे जो है ऑर्गन्स का या हमारे टिश्यूज को साथ ही साथ या हमारी स्किन को कुछ भी चीज हो सकती है हम बेसिक समझ सकते हैं सेल से एसोसिएटेड हमारी कोशिकाओं से बनने वाली किसी भी संरचना को क्या किया जाता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्लेस कर दिया जाता है ओके okay?

ट जीनो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ट्यूमर यह किया गया किसके अंदर uh, माइस के एक वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग दो दिन की पी डी एफ नहीं आई है कौन कौन से दिन की आई है एट द एंड ऑफ द डे फाइनली यू आर लाइव थैंक यू सो मच कनिका थैंक यू सो मच आई एम होपिंग यू मस्ट बी गेटिंग लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट कंटेंट फ्रॉम दिस सेशन एंड आपकी हेल्प भी हो रही होगी तो ये सारी चीजें आप जो है नोट डाउन करते चलेंगे अब आप देख सकते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन के लिए एग्जाम्पल्स की हम इसके अंदर कोई किसी भी एनिमल को इंक्लूड करते हैं उनके डिफरेंट ऑर्गन्स को निकाल कर एंड उनके अंदर जेनेटिक मॉडिफाई उनको कर यूज किया जा सकता है इन ह्यूमन बॉडीज रिप्लेस किया जा सकता है ह्यूमन बॉडीज के अंदर जो भी ऑर्गन है अगर वो डिफेक्टेड है तो उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं इज इट क्लियर चलिए तो देख सकते हैं अगर हम पूरा इस जीनो ट्रांसप्लांट की हिस्ट्री पर बात करें तो सबसे पहले कब किया गया था सेवनटीन सेंचुरी में जीन बैप्टिस्ट अब इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है हु इज रिकॉर्डेड एज द फादर ऑफ दिस जीनो प्लांटेशन तो ध्यान रखेंगे जीन बैप्टिस्ट क्यों इन्होंने क्या किया था इन्होंने जो है एनिमल्स जानवरों का खून निकाल के इंसानों के अंदर डालना शुरू किया था ट्रांसप्लांट किया था सबसे पहले ठीक है तो जीनो ट्रांसप्लांटेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल जब से शुरू हुई थी सेंचुरी में वो है तो यू ऑल कैन टेक द ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल सो दैट आप लोगों को पता चल जाए कि, कि किस तरीके से हमारी हिस्ट्री रही है, जीनो की है कौन कौन से एनिमल्स के ऊपर अभी तक ऐसे ट्रायल या ऐसे जो है टेक्निक्स को यूज किया जा सकता जा चुका है ओके okay? नहीं मिली साइंस की पीडीएफ क्यों नहीं मिल रही भाई साइंस की पीडीएफ में क्या इशू आ रहा है आई आई द टीम आज टीम से बात करती हूँ भाई किसी भी दिन की नहीं मिली है या सिर्फ कल की नहीं मिली है एक बार मुझे बता देना सो so दैट मैं उसी अकॉर्डिंग कर सकूँ साइंस के लिए वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग श्रवन श्रवन जूम नहीं हो पाएगा कर सकते हैं, जो भी छोटी मोटी चीजें रह गई है लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल क्या कहा गया यहाँ पर अमरिंदर सिंह पंजाब पंजाब लोक कांग्रेस गेट्स न्यू सिंबल आलोकट हाउ पार्टीज आर एलोकेटेड सिंबल फॉर इलेक्शन हमें पता है डेट पंजाब में जो है असेंबली इलेक्शन होने वाले कल ही हमने पूरा की पूरा आर्टिकल डिस्कस किया था कि पांच राज्यों के अंदर अभी इलेक्शन होने वाले हैं और तीन राज्यों के अंदर जो है गोवा पंजाब एज वेल एज आपका तीसरा कौन सा था जिसके अंदर वेलेंटाइंस डे के दिन होने वाले हैं। है ना हमने देखा था कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या क्या इस बार चेंजेस किए हैं मेजर चेंज क्या था जो बेसिकली एक लिमिट बढ़ाई गई है पैसों की या जो भी खर्च किया जाता था इलेक्शन के अंदर पार्टी प्रमोशन की वो जो लिमिट एक्सटेंड की गई है एम एंड एम के लिए इसी के साथ साथ हम लोगों ने देखा था जिसमें से आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर भी दिया था आई आस्ट अबाउट कि भाई राइट टू वोट जो है यानी कि वोट देने का अधिकार क्या वो फंडामेंटल राइट right है या वो लीगल राइट right है तो आप लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था कमेंट में दैट इट्स इट इज अ लीगल राइट मैंने फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा था दैट आप अपने ओपिनियन में बताइए कि व्हाई इट हैज बीन नॉट एडेड इनटू आवर फंडामेंटल राइट्स ये क्यों जो है हमारी मौलिक अधिकारों के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया था ओके okay? तो कानून ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है एंड uh, और भी किसी ने लिखा था आई एम सो सॉरी इफ आई फॉरगेट योर नेम बट मैंने देखा आप लोगों ने अच्छा अटेम्प्ट किया है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है यूपीएससी के में।, मेंस में। अब हम बात करेंगे। पहले तो आप ये देख लीजिए पंजाब लोक कांग्रेस का ने अभी पंजाब में जो असेंबली इलेक्शन होने वाले उनके लिए अब हमारे लिए एग्जामिनेशन से क्या इंपॉर्टेंट है प्रिलम्स के लिए भी मेन्स के लिए भी हाउ आर दी सिंबल्स एलोकेटेड टू द पोलिटिकल पार्टी कैसे जो है ये हमारी राजनीतिक दल जो है कैसे करते कि भाई मुझे कमल चाहिए मुझे हाथ का निशान चाहिए मुझे झाड़ू चाहिए मुझे हॉकी चाहिए इस तरीके से चूज कैसे किए जाते हैं सबसे पहले तो एज पर द गाइडलाइंस क्या कहा जाता है आ पार्टी कैंडिडेट हैज टू प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ थ्री सिंबल फ्राम दीज फ्री सिंबल लिस्ट the time of filling nomination paper. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरी कोई पार्टी है एंड इफ वी यू टू अगर हमारी पार्टी को हमें जो है कोई सिंबल चूज करना है अगर हमें नया सिम्बल चूज करना है तो क्या किया जाता है वहां पर किया जाता है इलेक्शन कमीशन की जो है एक लिस्ट है फ्री की लिस्ट होती है उस फ्री सिम्बल्स की लिस्ट में से हमें कोई भी तीन सिम्बल्स जो है शॉर्ट लिस्ट कर लेने होते हैं जब हम नॉमिनेशन फाइल कर रहे हो ओके okay. तो हमने तीन सिंबल्स क्या किए तीन सिंबल्स जो है चूज कर लिया अब अमंगल इज एलोटेड टू दर्टी कैंडिडेट ऑन दर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस अब आप खुद सोचिए ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि आ, वो सिंबल जो है सिर्फ आपने चूज किया हो अब और भी पार्टी होंगी जो की अपना नॉमिनेशन फाइल कर रही होंगे जिन्हें जो है अपनी पार्टी के लिए क्या चाहिए सिम्बल चाहिए होगा. तो हो सकता है उसी टाइम पर सिमिलर टाइम पर उन्होंने भी जो है अपनी तीन सिंबल चूज की जिसमें से दो जो है आप लोगों के ओवरलैप कर गए मेरा भी झाड़ू था आपका भी झाड़ू हो गया तो क्या होगा अब यहां पर इलेक्शन कमीशन देखेगा दैट जिस दिन डिक्लेरेशन किया जाता है इन सिंबल्स uh, का उस उस दिन पहले टाइम पर कौन पहुंचेगा रीच द फर्स्ट जो पहले पहुंचा वो से उस सिंबल को जो है ले जाता है इज इट क्लियर वेल आर रिक्नाइज पॉलिटिकल पार्टी स्प्लेट्स द इलेक्शन कमीशन टेक्स द डिसीजन ऑन असाइनिंग द सिंबल अब यहां से एक नया क्वेश्चन आ गया फॉर एग्जाम्पल कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है अब आप इसमें यूपी का एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि आपने पिछले असेंबली इलेक्शन में देखा होगा जो अखिलेश यादव जी वाला हुआ था उनकी पार्टी स्प्लिट हुई थी और उनके लिए जो है उनका एक थोड़ा सा जो है क्लैश हुआ था पार्टी सिंबल को लेकर ओके तो वो ये यह, यहाँ से अब ये चीज निकल के आती है कि भाई अब फॉर एग्जाम्पल आप पार्टी है झाड़ू सिंबल है अगर इनके फ्यूचर में मनीष सिसोदिया जी अलग होते हैं वो स्प्लिट होते हैं तो पार्टी टूटती है अब एक आप पार्टी है जिसके पास झाड़ू है दूसरी आप पार्टी वो क्या जो है सिंबल चूज करेगी क्या वो वो उस झाड़ू को रख सकती है या कैसे जो जो है है डिवाइड किया जाएगा ये सारी के सारी जो पावर ये सारी सारी की पावर इलेक्शन कमीशन के अंदर दी जाती है पहला कहा जाता है कि आप लोग आपस में डिसाइड कर लीजिए इफ स्टिल नॉट रिजोल्ट देन वहां पर जो है इलेक्शन कमीशन पावर में आ जाते हैं इज इट क्लियर इज इट क्लियर भाई 67 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं 67 के 67 लाइक like भी कर दीजिए फिर लाइक like में क्यों कंजूसी करते हो लाइक like में कंजूसी मत किया कीजिए लाइक like भी करते चलिए और थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए भाई दो तीन ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए सो दैट थोड़े और स्टूडेंट्स जुड़ सके अब यहाँ से एक और कल, जो है आपका क्वेश्चन निकलता है क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे हमने देखा इलेक्शन कमीशन के पास पावर है तो हमें पता है हमारे इलेक्शन कमीशन के पास कई सारी ऐसी पावर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शन कमीशन को Uh, जो है कई सारी पावर्स दी गई हैं इलेक्शंस को कंडक्ट कराना फ्री तरीके से फेयर तरीके से ट्रांसपेरेंट मैनर में पोलिंग बोथ पोलिंग स्टेशन इन सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे इलेक्शन कमीशन को दी जाती है या हम कह सकते हैं जो भी असेंबली इलेक्शन होते हैं उनकी डेट डिक्लेयर करना ठीक है उनकी डेट डिक्लेयर करना या उनसे एसोसिएटेड कुछ भी चेंजेस लाने हैं तो सारी की सारी पावर इलेक्शन कमीशन के पास होती है जो जिस जो कैसी बॉडी है जो वन प्लस टू की बॉडी है ना थ्री मेंबर वन प्लस टू की बॉडी है अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ये सिंबल्स देते हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से प्रोविजंस दिए गए हैं सो द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ 1968 इसने एम्पावर किया है इस ऑर्डर से जो है हमारे इलेक्शन कमीशन के पास पावर मिल जाती है किस बात की पावर मिल जाती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्या करने की सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज रिकॉग्नाइज करने करने की की और करके फिर जो है है सिंबल एलोकेट प्रोसेस वही होती तीन आके चूज करेंगे उसके बाद जो है वो दे दिया जाएगा अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आ चुका है आप सभी के लिए क्वेश्चन जो जब आप जहां पर भी नोट्स बना रहे हैं ना इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर तीन चार लाइन छोड़ देना एक जो है पैराग्राफ जितनी स्पेस छोड़ देना क्यों छोड़ देना वहां आपको लिखना है आंसर और क्वेश्चन है हाउ आर दी दोलिटिकल पार्टीज रिकॉग्नाइज इन आर इंडिया हमारे देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्निशन किन बेसिस पर दी जाती है क्या क्राइटेरिया है स्टेट की हो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हो उनको रिकॉग्निशन कैसे दी जाती है यू हैव टू सर्च दीज थिंग्स एंड मेंशन इन योर नोट्स नोट्स में जरूर लिख लेना जितना मैं कहूँ ना ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है उतना कम है हर साल मतलब क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है मेन्स के लिए तो ओके okay? और प्रिलिम्स में भी पूछे जाते हैं अब अगर हम बात करें तो इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर के अंदर इनके पैराग्राफ 15 में कहा गया है दैट इट कैन डिसाइड डिस्प्यूट राइवल ग्रुप रिकॉगनाइज पोलिटिकल पार्टी स्टेकिंग क्लेम टू इट एंड सिम्बलूट होता भी है कोई फॉर एग्जाम्पल पोलिटिकल पार्टी स्प्लिट अपार्ट हुई है तो पहले सारी की सारी पावर होगी कि आपस में निपटाइए अदरवाइज फिर इस ऑर्डर के तहत पैराग्राफ फोर में जो है इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि ये जो सिम्बल है वो किसके हाथ में जाना चाहिए इलेक्शन कमीशनिटी only, only uh, जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ केस चला था ओके okay. सारी की सारी पावर जो फाइनल वर्डिक्ट होता है इन पोलिटिकल पार्टी के डिस्प्यूट को रिड्रेस कराने का वो होता है हमारे इलेक्शन कमीशन के पास इज इट क्लियर अब जो ये इलेक्शन दो, okay? दो तरीके के तो यस yes, ये मैंने इसीलिए लिखा था सो so देट आप लोग बता सके हाउ पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्नाइज इन आर कंट्री स्टेट की या नेशनल की या कोई भी अगर इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया और क्या प्रोविजन है okay? कोई करंट अफेयर्स की कोई नोट्स दे सकते हैं चलिए अब अगली चीज क्या है अगली है हमारी न्यू जो है ट्रायल हुआ है किसका ट्रायल है ब्रह्मोस एडवांस वेरिएंट टेस्ट फायर यस ब्रह्मोस एडवांस्ड वेरिएंट टेस्ट फायर द एक्सटेंडेड रेंज नेवल वर्जन ऑफ द मिसाइल वाज लॉन्च फ्रॉम अ डिस्ट्रॉयर हुआ क्या है हुआ यह है कि एक्सटेंडेड रेंज सी टू से वेरिएंट ऑफ द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया है और किससे टेस्ट फायर किया है किया गया है आई एन एस विशाखापट्टनम से अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है लॉन्चर है ये का गया? दूसरा है ब्रह्मो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो भी लॉन्च किया गया इसके बारे में देख लेते हैं लाइक और लाइव का तो बराबर कर दो सबसे पहली चीज तो मैंने क्या कहा ये है सी टू सी आप इस पिक्चर को देखिए इस पिक्चर को ऑब्जर्व कीजिए समुद्र से ये सबमरीन से निकला है समुद्र के नीचे सबमरीन से ये निकला है मिसाइल मिसाइल और मिसाएल समुद्र में सी टू सी अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां से अपना रॉकेट लॉन्च किया अपना मिसाइल लॉन्च किया और लॉन्च कहा किया मैंने किया है जो सामने मुझे हवा के अंदर कोई भी फॉर एग्जाम्पल कोई भी मुझे अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो मैंने उसके लिए लॉन्च किया ठीक है तो होगा क्या मैंने लैंड से लॉन्च किया है एयर के लिए दैट वुड बी लैंड टू एयर मिसाइल अगर मैं हवा से मार रही हूँ हवा से लैंड में मार जो है फॉर एग्जाम्पल ऊपर जो है मेरा जो भी, जो भी मैं ऊपर थी एंड मैंने वहां से देखा दैट नीचे क्या है नीचे कोई दुश्मन दिख रहा है हमारी टेरिटरी में आता हुआ या कोई भी अनआइडेंटिफाइड इस तरीके का व्हीकल uh, दिखता है तो मैं ऊपर से जब अपने टारगेट को हिट करूंगी दैट वुड बी एयर टू लैंड एयर टू लैंड मिसाइल सिस्टम एंड तीसरा कौन सा हुआ तीसरा होता है हमारा एयर टू एयर हवा में आप हो हवा में आपका दुश्मन है है और हवा में ही क्या चल रहा है? खेल चल रहा है है ना यानी कि लड़ाई चल रही है टारगेट हिट करो दैट वुड बी एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम दूसरा क्या है कितना पैसे ले रहे हैं कुमार रॉकी सागर भैया सीए के नोट्स देते हैं पर पैसे देने पड़ते हैं उसके ये क्या हो रहा है भाई

के के बारे में में दो बार आपके CDS के में पूछा जा चुका है। है? है, अब आपको 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 क्या करना है? आपको mention करना ढूंढना है अबाउट दिस प्रोजेक्ट फिफ्टीन बी लिख लेना आज का दूसरा क्वेश्चन आ चुका है ढूंढना है आपको ये project 15B क्या है? इंडिजनाइजेशन की बात की जा रही है किसके इंडिजनाइजेशन की हमारे नेवल शिप्स को बनाने की कि भाई मेड इन इंडिया को बूस्ट मिल सके हमारे मिसाइल्स को इंडिया में बना सके हम और अलग अलग तरह की चार डिफरेंट काइंड के जो है शिप्स को कंस्ट्रक्ट कर सकें और कहाँ पे करना है हमें इंडिया में करना है उसी से संबंधित है ये प्रोजेक्ट फिफ्टीन बी एक् एग्जैक्ट क्या है एग्जैक्ट ढूंढ के अपने नोट्स में जो है लिख लेना ओके एग्जैक्ट ढूंढ के अपने नोट्स में आपको लिखना है ये आपका नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है आज का नोट कर लीजिए देन विल बी प्रोसीडिंग फॉर द ओके लेट्स प्रोसीड आगे बढ़ते हैं अगला आर्टिकल क्या है अगले आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा का जो है, के को बंद करने की बात की जा रही है इस तरीके की आप सुनी रहे क्या है ये पूरा की पूरा इशू आज भी इसके ऊपर जो है आपके दिंदो में चीजें पूछी गई है कुछ आर्टिकल आए डिस्कस कर लेते हैं तुर्क मेनिस्तान दरवाजा गैस करेटर द डोर टू हेल इसको बात की जा रही क्या करने की बंद करने की ढकने की अभी है क्या कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ उन सारी चीजों पर बात करने वाले गैस क्रिएटर दरवाजा गैस क्रेटर जिसको क्या कहा जाता है गेटवे टू द हेल यानी कि पाताल लोक या नरक के लिए रास्ता कहा जाता है ओके अब ऐसा क्यों कहा जाता है आ, दो क्वेश्चन कौन कौन से थे राजमुरारी जी पहला क्वेश्चन था हमारे भारत के अंदर इंडिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है किसी भी भी अगर हमें कोई भी, जो है राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी बनानी है तो उसको किन आधारों के ऊपर जो है बनाया जाता है क्या क्या प्रोविजंस होते हैं स्टेट की भी और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की भी कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है तो आपको इसके बारे में ढूंढना और सेकंड आपका क्या था ये प्रोजेक्ट 15 बी के बारे में था अब यहां देखते हैं हम कि कैसे जो है ये डोर टू हेल बना इस पिक्चर को आप देख ही सकते हैं इस पिक्चर को ऑब्जर्व कीजिए बीचो बीच में एक क्रेटर जो है ऐसा कहा गया है क्रेटर का फॉर्मेशन हुआ और उसके अंदर आग जलती रहती है 24 घंटे बस और बस आग की लपटे जलती रहती हैं और आपको पता है तुर्कमेनिस्तान की जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है ना जो टूरिस्ट आते हैं तुर्कमेनिस्तान में वो मेजरली मेजोरिटी जो टूरिस्ट आते हैं सिर्फ और सिर्फ इसको देखने के लिए आते हैं अब ये कैसे फॉर्म हुआ दिस वॉज अ टाइम ये बात है यूएसएसआर का जब तक डिस इंटीग्रेशन नहीं हुआ था जब ये पूरा की पूरा एक ही पार्ट होता था सोवियत यूनियन का ठीक है तुर्कमेनिस्तान वहीं से डिसंटीग्रेट हुआ ना अलग हुआ टूटा आपने देखा होगा तो अब हुआ ये अराउंडीन सेवेंटीज की बात है नाइनटीन सेवनटीज की तुर्कमेनिस्तान बहुत बहुत तुर, तुर्कमेनिस्तान के पास जो है लार्जेस्ट हम कह सकते हैं वन ऑफ दार्जेस्ट गैस रिजर्व है गैस के रिजर्व अच्छे खासे हैं तुर्कमेनिस्तान के पास नेचुरल जो है ऑयल भी है और गैस भी है <coughs> अब इन्होंने शुरू किया कि हम क्या करते हैं हम एक्सप्लोर करते हैं एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी करते हैं जो इस तरीके का एक क्रेटर का फॉर्मेशन हो रखा था इस क्रेटर के अंदर हम क्या करते हैं डिग इन करते हैं ड्रिलिंग करते हैं डिग इन करते हैं लेट्स सी कि क्या जो है हमें नेचुरल गैस निकलती है या जो भी मिलता है एक्सप्लोर करना चाह रहे थे मिल गई नेचुरल गैस

सारे उन होल से निकलने लगी है या रिलीज हो रही है जैसे ही वो आग लगाई जल गया सारा अब वो नेचुरल रिजर्व्स हैं वहां पर किसके मीथेन के वो नेचुरल रिजर्व्स खत्म हो नहीं सकते वो तो नीचे से चलते जा रहे हैं मीथेन का फॉर्मेशन होता जा रहा है आग लगी हुई है कभी बुझ ही नहीं सकती अब कहा जा रहा है दैट इज आग को बुझाने की जरूरत है क्या करने की जरूरत है इस आग को बुझाने की जरूरत है बुझाने की जरूरत क्यों है बिकॉज हीट बहुत ज्यादा बनती है आपने देखा है ना तुर्कमेनिस्तान का बीच वाला एरिया कितना ज्यादा फिकेशन है कितना ज्यादा रेगिस्तान है वहां पर तो यहाँ पर अब दूसरी चीज क्या आती है यहां पर दूसरी चीज क्या आती है दूसरी चीज आती है कि क्यों इसको बंद करने की बात की जा रही है बंद करने की बात इसलिए कही जा रही है बिकॉज लार्ज अमाउंट में जो ये आ, गैस निकलती है और आपको पता है मिथेन क्या है मिथेन एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है है ना पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है यानी कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में ये क्या कर लेती है ये हीट को ट्रैप करती है तो खुद नीचे से हीट निकल रही है ऊपर से रिलीज क्या हो रही है और उस मिथेन की टेंडेंसी है कि जो ऊपर एटमोस्फेयर में हमारी हीट है उस हीट को यहीं की यहीं ट्रैप करके रखें जो इनकमिंग सोलियर रे, रे, रेडिएशन है उनसे जो है जो भी हीट जो भी रेडिएशन मिल रही है उनको क्या कर ले ट्रैप करके रखे बांध के रखे बाहर ना जाने दे इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस ग्लोबल वार्मिंग और इन ग्रीन हाउस गैसेस का जो ये कॉन्ट्रीब्यूशन मिथेन में सबसे ज्यादा है इसको कम करने के लिए डिसाइड किया गया है है तो तो है कि कि इसको ढका ढका जाएगा जाएगा डिसाइड डिसाइड तो तो कर कर लिया लिया गया पर आप खुद इमेजिन करिए भाई कैसे ढकोगे आप इसको कोई सीमेंट लगाओगे चूना पत्थर क्या करोगे नॉट एट ऑल पॉसिबल नॉट एट ऑल बाकी देखते हैं भाई साइंस है साइंस तो कुछ भी कर सकते हैं ना अब आपके लिए ना इंपॉर्टेंट क्या है ये एग्जाम से एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिसेंटली डोर टू हेल वॉज इन न्यूज जो कि तुर्कमेनिस्तान में तो तुर्कमेनिस्तान के अंदर आपको पता होना चाहिए कौन से क्षेत्र में <coughs> के बीच में आता है ये हमारा जो है क्रेटर ओके इज इट क्लियर एवरी तो एग्जामिनेशन बहुत, बहुत, बहुत डेज़र्ट अब एक और क्वेश्चन यहां से बनता है 2018 में तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट ने क्या कहा था इस नरक के दरवाजे को कहा था शाइनिंग ऑफ काराकुम शाइनिंग ऑफ काराकुम अब एग्जाम में अगला क्वेश्चन बन सकता है दैट शाइनिंग ऑफ काराकुम रेफर्स टू तो पता होना चाहिए किसको इस नरक के दरवाजे को कहा जाता है इज इट क्लियर टू एवरीवन इज इट क्लियर टू एवरीवन जल्दी से बता दीजिए क्लियर ओके बाकी की जो भी ये नोट्स हैं मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी आपके टेलीग्राम ग्रुप पर लेट्स प्रोसीड अब बढ़ते हैं आगे आज के क्वेश्चन की तरफ कल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है करेक्ट आंसर दिया था उससे पहले मैं जो है आपको बैचेस के बारे में बता देती हूँ जो हमारे न्यू बैचेस हैं या जो बैचेस ऑलरेडी ऑन गोइंग है जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन की एक अच्छे ढंग से तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो जिन्होंने कल का करेक्ट आंसर दिया था वो स्टूडेंट्स है हमारे जो कि जनरली क्लास के बाद आ, के अंदर भी पार्टिसिपेट करते हैं और क्लास के बाद भी जो है कनेक्टेड रहते हैं कनु का आंसर बिल्कुल ठीक था जोहा का आंसर ठीक था नीलेष का आंसर ठीक था सोनाली का शव का फलिंद्रा मेहर का विज्ञान द नॉलेज स्पॉट सुमेद संकल्प राज मुरारी और कनु इन सभी स्टूडेंट्स ने जो है अटेम्प्ट किए हैं कोशिश की है आंसर करने की और सभी ने लगभग सही आंसर किया है तो अब आप लोगों को क्या करना है आज आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये विद रेस्पेक्ट टू कृष्णा रिवर विच ऑफ are करेक्ट कृष्णा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व सही है या क्या है ठीक है आराम से एटलस अपनी रखेंगे साथ में और उसके बाद जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे ये क्वेश्चन क्यों न्यूज में आया है क्यों यहाँ पर आया उसके ऊपर भी हम बात करेंगे क्योंकि फिलहाल जो है कृष्णा रिवर वॉटर डिस्प्यूट उसके ऊपर दोबारा से मसला आया है कमिटी बनाई गई है इसलिए ये न्यूज में ओके अब भाई जो भी हमारे स्टूडेंट यूपी पीसीएस ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री बिहार पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं दो हजार बाईस में दो हजार तेईस के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एमपीपीसीएस पीसीएस का नोटिफिकेशन परसों आ चुका है, है तैयारी के के में जुटना है तो आप है चार से पांच घंटे की चलती है। चार से पांच घंटे की क्लासेस होती है एज वेल एज आपको एंड पीडीएफ हर कुछ जो है, बैचेस में कराया है। इसी के साथ साथ था हरियाणा पीसीएस के लिए अभिमान बैच है संकल्प बैच है हमारा जो है यूपी पीसीएस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए अब यहाँ पर गिवन है इलेवन ट्रिपल नाइन एंड बट इफ यू वॉन्ट टू अवेल द डिस्काउंट अगर आप जो है सस्ते दाम में इसको अंदर अनरोल करना चाहते हैं तो आप कोड क्या यूज करेंगे वाई थ्री थ्री फाइव वाई थ्री थ्री फाइव कोड यूज़ करके ना सिर्फ इसके लिए आप जो है किसी भी कोर्स का कोई भी बैच परचेज करते हैं एस का हो सकता है बैंकिंग का हो सकता है यूपीएससी स्पेसिफिक हो सकता है कोई टेस्ट सीरीज हो सकती है जिसके अंदर भी आप एनरोल करना चाहें आप लोग क्या कर सकते हैं वाई थ्री थ्री फाइव कोड यूज कर सकते हैं बिकॉज आफ्टर यूजिंग दिस कोड आपको सेवेंटी का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाता है वन मोर थिंग ध्यान रखना ये सारे के सारे बैचेस कंप्लीट फाउंडेशन बैच है यानी कि एनसीआरटी बिल्कुल बेसिक से इनके अंदर हम आपको करा रहे हैं के 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 सारे की सारे subjects, as well as के सारे सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स एज एज वेल मेंस इसके अंदर इंक्लूडेड है यूपीएससी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के लिए प्रिया को प्रिपरेशन करनी है ग्रेट भाई आंसर आप लोगों को ये जो है लाइव चैट खत्म होने के बाद सेशन एंड होने के बाद कमेंट में नीचे मेंशन करना है तो आई थिंक आज के लिए जो भी चीजें हमने डिस्कस करी आप सभी को समझ आई होंगी लास्ट में रिक्वेस्ट करना चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा प्लीज इन क्लासेस को शेयर करिए लाइक like करें मुझे सपोर्ट देने के लिए जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसके साथ अब जुड़ना है आपको 11 बजे जिसके अंदर हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम एक रैपिड फायर सेशन लेके आएंगे आई एम होपिंग आज का सेशन बहुत अच्छा होगा कीप लर्निंग गॉड ब्लेस यू ऑल गुड बाय एंड टेक केयर